हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई एम बैक विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ मोशन क्लास 9th। सो आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो दैट वी आर गोइंग टू डू विद इक्वेशन ऑफ मोशन, थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन वी विल बी डूइंग द डेरिवेशन। सो आई एम हियर विद दैट। लेट्स स्टार्ट, लेट्स रोल ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज इक्वेशन ऑफ मोशन। वॉट इज इक्वेशन ऑफ मोशन? There are three equation of motion that we will be solving by graphical method. So motion of the body moving with uniform acceleration can be described with the help of three equation of motion. Okay, the equation of motions are कौन सी हैं? V is equals to u plus at, s equals to ut plus half at square, and v square minus u square equals to 2as. Let me tell you what things denote here, what are the denotions. U stands for initial velocity. Initial means start करना। हम कोई काम start करते हैं नया, तो हम बोलते हैं let's initiate our work. Okay, मतलब let's start our work. V है final velocity, जिससे वो move कर रहा है, वो final velocity। हम लोग जब numericals करेंगे I'll tell you इसमें कौन सी है initial, कौन सी final. Okay, so A is acceleration. वो यू नो वॉट इज़ द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, वी माइनस यू अपॉन टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम पीरियड, एंड लास्ट एस इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड। ओके, एस इज डिस्टेंस ट्रैवल, वॉट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई द बॉडी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, स्टार्टिंग विद द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एंड वी विल बी डूइंग फर्स्ट द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सो फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जहाँ पे जो हमारी बॉडी होगी वो कुछ इनिशियल वेलोसिटी यू से स्टार्ट होगी, ज़ीरो से नहीं स्टार्ट होगी। यूजुअली जब हम कार स्टार्ट करते हैं तो वो मतलब कहीं खड़ी होती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होती है। बट अभी अगर हम नॉर्मल कहीं चल रहे हैं या फिर, तो उसकी वो हमारी वेलोसिटी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, तो हम उसको इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या लेंगे, यू। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम ओ ए को डिनोट करेंगे यू से। एंड व्हाट इज वी? ओ ई, ओ ई हमारा क्या होगा, वी। ये हमारा ये टोटली ये वाला ऊपर से नीचे तक हमारा वी है, ओ ई। ठीक है, हम लोगों को यहाँ पे डॉटेड यूज़ करना है, हमें डॉटेड बनानी है लाइन हमें, ताकि हम इसका फाइंड कर सकें। अभी हम लोग यहाँ पे एक यहाँ से ऐसे डॉटेड लाइन बनाएंगे। ओके, लेट मी ड्रॉ इट। हम लोगों ने ऐसे ड्रॉ कर ली डॉटेड लाइन। ओके, यहाँ पे भी हम लोग डॉटेड लाइन से इसे ड्रॉ करेंगे, एंड अगेन यहाँ से भी हम इसे डॉटेड लाइन से ड्रॉ करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। इफ़ यू फेस एनी डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग माई कॉन्सेप्ट, फील फ्री टू कॉमेंट मी इन द कॉमेंट सेक्शन। ओके, सो हमने ऐसे डॉटेड लाइन बना ली। अब हम क्या करेंगे, हम लोगों को पता है कि अगर हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है, हमें ओ ए हमने यू बनाया है, ठीक है, ओ ए हमारा यू है, ओ ई वी है। ठीक है, हम स्टार्ट कैसे करेंगे, आपको स्टार्टिंग आ जाएगी बस, फिर आप नेक्स्ट आप खुद ही कर लोगे। ठीक है, हमें इस लाइन को एक्सपैंड करना है, बी सी लाइन को हमें एक्सपैंड करना है। ठीक है, हम बी सी लाइन को कैसे एक्सपैंड करेंगे अपने अब देखते हैं कि हम बी सी लाइन को कैसे एक्सपैंड करेंगे। ओके, बी सी लाइन कैसे एक्सपैंड होगी, आपको पता लग गया ओ ए इज़ यू एंड ओ ई इज़ वी। सो लेट मी रेज दिस and tell you the next step. BC, हमारा BC क्या है, BC इस पूरे को expand कैसे करेंगे, BC is equals to BD plus DC, BD plus DC इन दोनों को add करेंगे तो total BC बनेगा, right? अब BC क्या है, हमने BC हमारे लिए क्या है, मतलब क्या हमने इसमें को denote किया था, हमें पता है जो BC है वो V है। ओ ई इज इक्वल्स टू बी सी होगा ना, ओ ई इज इक्वल्स टू बी सी होगा या नहीं होगा, टेल मी। ओके, ओ ई इज इक्वल्स टू बी सी होगा, ये रही ओ ई, ये हमारा ओ ई है और ये हमारा बी सी है इधर,
तो ये दोनों इक्वल होंगे या नहीं? होंगे इक्वल, ठीक है। तो हमने इधर क्या किया है कि हमने बी सी को वी लिख दिया है, देन मैंने एक बार सभी इरेज किया है आप ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, दैट इज़ वाई आई इरेज्ड दिस। ओके, सो बी सी को हमने वी से डिनोट कर दिया है एंड लेट मी डू दिस, वेट अ मिनट जस्ट, या बी सी को हमने वी लिख दिया है, बी डी को हमने बी डी ही लिखा है अब एक बार, ठीक है। वैसे अब बी डी या बी डी प्लस और डी सी क्या है हमारा, डी सी क्या है ये वाला, डी सी क्या है हमारा, U है, ये वाला U था, ओ ए हमने U डिनोट किया था, तो ये हमारा U है। नाउ हम सेम वैसा ही दोबारा, अब हमें दो नोन मिल गए, V और U मिल गए, BD हमें नहीं पता, तो हम कर देंगे BD इज इक्वल्स टू V माइनस U, V को हम उधर ले जाएंगे, ठीक है, V को हम इधर ले आएंगे, तो BD इज इक्वल्स टू V माइनस U हो जाएगा। नाउ वी नो दैट दैट A इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी, व्हाट इज इट, A इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी, यस, ओके, ए इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी, सो अपॉन टाइम, तो हम ए इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, वी माइनस यू, तो हमें वी माइनस यू की वैल्यू तो पता है, बी डी, तो हम बी डी अपॉन टी लिख देंगे। नाउ बी डी इज इक्वल्स टू 80, ठीक है, बी डी इज इक्वल्स टू 80 हो गया, कैसे हुआ, बी डी क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया इधर, ठीक है। नाउ ए टी इज इक्वल्स टू बी डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वी माइनस यू, ठीक है, बी डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वी माइनस यू। नाउ अब हम इसको सिर्फ इधर उधर करेंगे, वी इज इक्वल्स टू यू प्लस 80, फाइनली वी गेट दैट कि हमारी फर्स्ट इक्वेशन डिराइव हो जाएगी। हैव यू अंडरस्टूड दिस, इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड प्लीज कॉमेंट मी इन द कॉमेंट सेक्शन and I'll solve your problem, I am always there for you guys, okay? So if you don't understand, please comment me. Okay, now moving on to the next is, which is position time relation, okay? Position time relation है हमारा next, और हम लोगों ने इसमें हमारा क्या है कि हमें draw करना है, again इसमें वही denotions है, इसमें denotion का कोई difference नहीं आएगा, डिनोशन हमारी वही रहेगी, सारे वी यू वही रहेंगे। नाउ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, स्क्वायर आई एम सॉरी यहाँ स्क्वायर रह गया, यहाँ भी स्क्वायर रह गया, तो यू टी इज इक्वल्स टू हाफ 80 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हम कैसे स्टार्ट करेंगे, लास्ट हमने क्या छोड़ा, ए इज इक्वल्स टू बी डी बाई टी हमने किया था, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू बी डी हमारा वी माइनस यू था, ठीक है, तो v माइनस यू अपॉन टी। नाउ इधर ये कैसे होगा, bd इज इक्वल्स टू 80 क्रॉस मल्टीप्लाई। अब हम कैसे फाइंड करेंगे, s इज इक्वल्स टू एरिया इंक्लोज्ड विद इन द ग्राफ, एरिया इंक्लोज्ड कौन सा होगा, एक तो हमारा रेक्टेंगल आएगा OADC, ओ ए दिस इज d एंड दिस इज c, OADC हमारा ये वाला रेक्टेंगल आएगा, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, ए बी एंड डी, ये इन दोनों का हम एरिया प्लस कर देंगे, क्योंकि हमारा ग्राफ कौन सा है, ये वाला हमारा ग्राफ है, तो इसके नीचे वाला एरिया हम लेंगे, डू यू अंडरस्टैंड, इसके नीचे वाला एरिया हम सारा लेंगे। अब हम देखते हैं कि इसके नीचे वाला एरिया हम ले रहे हैं ना, या इसके नीचे वाला एरिया हमें लेना है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी का एरिया क्या होगा, क्या होता है रेक्टेंगल का एरिया, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो इसकी लेंथ कौन सी होगी, OC, और OC ये क्या हमारा टी टाइम है, ये हमारा टाइम टी से डिनोट करेंगे हम इसे, ठीक है। तो हमें पता है OA मतलब इसका एरिया क्या है, AD इज इक्वल्स टू OC, आपको पता है ये लाइन और ये लाइन तो इक्वल ही होगी ना, तो हम दोनों को ही टी से डिनोट करेंगे, है ना, तो इन दोनों को हम टी से डिनोट करेंगे। नाउ AD इंटू AO, AO क्या है हमारा, U हमने डिनोट किया था U, ठीक है, अब प्लस अब एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब एक ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हम लगाएंगे हाफ
इनटू बेस, इसका बेस क्या है एडी, एंड एडी क्या है टी, एडी क्या है हमारा इक्वल्स टू टी, ठीक है। तो एडी इनटू हाइट, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, तो एडी इनटू बीडी, बीडी हाइट ये हो गई, ये क्या है हमारा, अब आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। कैसे समझना पड़ेगा अब हम देखते हैं कैसे समझेंगे इसको, ठीक है। ये हमारा यू था, ये हमारा वी था, तो अगर हमें ए ई की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा, पूरा वी था ना ये, तो वी में से अगर हम यू माइनस कर देंगे तो ये वाला एरिया आ जाएगा हमारे पास, ओ एक ए ई का एक ई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, तो वी माइनस यू हो जाएगा, है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, तो हमारा बी डी क्या होगा, ठीक है, ए टी, हमें ये देखो दिया हुआ है यहाँ पे बी डी इज इक्वल्स टू ए टी। अगर हम वैसे भी निकालें कि v माइनस यू है बी डी, तो v माइनस यू हमने ऑलरेडी इसकी वैल्यू निकाली हुई है, क्या होती है इसकी वैल्यू, v माइनस यू हमने क्या निकाला था बी डी, और बी डी इज इक्वल्स टू ए टी, तो यहाँ हमने ए टी लिख दिया। अब अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, s इज इक्वल्स टू यू इंटू टी प्लस हाफ टी, दो बार आ रहा है तो हाफ टी का स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस, हैव यू अंडरस्टूड दिस, ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, विच इज पोजिशन टाइम रिलेशन, द थर्ड वन, ये तो बहुत ही ईजी है, आपको सेकेंड वाली समझ आ गई तो आपको ये भी समझ आ जाएगी ईजीली। इसमें भी हमें ऐसे ही ड्रॉ करना है, ओके, लेट मी चेंज द कलर हियर, या सो यहाँ भी आपको ऐसे ही समझ आ जाएगी, अगर आपको वो वाला समझ आ गया तो। ये हमने वी, ये हमारा यू था, ये हमारा वी था, ये यू था ना, और ये वी था, और ये हमारा टाइम है, ठीक है। तो टू एस इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, एस इज इक्वल्स टू एरिया इनक्लोज्ड विद द ग्राफ, ग्राफ कौन सा है ये, पहले हमने इसको स्प्लिट किया था, इस पूरे को पहले हमने स्प्लिट किया था रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल में, बट नाउ वी नॉट स्प्लिट दैट, वी विल जस्ट टेक दिस होल होल थिंग, हम इस पूरी चीज़ को लेंगे। अगर हम इसे देखें तो ये क्या बन रहा है हमारा, दो पैरेलल साइड हैं और दो नॉन पैरेलल साइड हैं, तो ट्रेपीजियम बनता है हमारा, ट्रेपीजियम ओ ए बी सी, ये हमारा डी वी है यहाँ पे, ओ ए बी सी हमारा पूरा ट्रेपीजियम बनता है। अब ट्रेपीजियम का क्या फॉर्मूला होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, ठीक है। तो सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड कौन सी है इसकी, ए ओ और बी डी, बी सी, ठीक है, ए ओ और बी सी इसकी पैरेलल साइड है, इनटू हाइट क्या होगी इसकी, ये वाली ओ सी, ओ सी इसकी हाइट होगी। तो हमने किया सम ऑफ पैरेलल साइड ए ओ प्लस बी सी अपॉन टू इंटू टी, टी इसकी हाइट है, ओके। सो ए ओ क्या है, ए ओ हमें पता है यू है, बी सी क्या है पूरा वी है, अपॉन टू इंटू ओ सी क्या है, ये हाइट क्या है इसकी टी, टाइम से डिनोट की हुई है, तो इंटू टी हो गया ये। नाउ व्हाट वी हैव स्टार्टेड इज एक्सेलरेशन इक्वल्स वी माइनस यू अपॉन टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, नाउ टाइम इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन ए, क्योंकि हमें टाइम की वैल्यू चाहिए यहाँ पे, तो हम लोग टाइम को बाहर लाएंगे और इसकी वैल्यू निकालेंगे v माइनस यू अपॉन ए। नाउ वील पुट द वैल्यू ऑफ t, s इक्वल्स टू यू प्लस वी इंटू वी, हम ऐसे ये t की जगह हम लोग v माइनस यू पुट कर देंगे, जब हम t की जगह v माइनस यू पुट करेंगे, मल्टीप्लाई में हो गया ना ये, ऐसे u प्लस वी इंटू v माइनस यू, यू प्लस वी या वी प्लस यू, सो वी प्लस यू कर लेते हैं हम लोग, वी प्लस यू इंटू वी माइनस यू। तो ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, v माइनस यू इंटू वी प्लस यू, वी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पढ़ा है, तो इसको हम कैसे स्प्लिट करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। सो ऐसे स्प्लिट करेंगे इसको भी, v प्लस यू, v माइनस यू को कैसे स्प्लिट करेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और हमारे पास 2a इधर है तो ये s के पास चला जाएगा क्रॉस में, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स 2as।
Did you understood this? Did you understand this? This was very easy. If you face any problem, please don't hesitate to comment me in the comment section. You can ask me any query, any doubt. Okay, so here we are ending this video because we have completed this this topic. So now in next video we will be doing the numerical part. Okay, some numericals on this topic also, so that you can understand the it better. Okay, आपको पता लग जाएगा V क्या है, U क्या है, कैसे हमें formula में value put करनी है, how we have to find all that. Okay, so आपको वो समझ आ जाएगा. And if you like my video, don't forget to subscribe and press the bell icon. I hope you will not forget to subscribe and press the bell icon. So please do it positively. And thank you so much for watching my video, guys. I love you all for your support you're giving me. So thank you so much. See you in the next video.